हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में बनेगी पालक और मूंग दाल की सब्जी बनेगी। तो बस पालक और दाल, मूंग की दाल मिक्स बनाऊंगी। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर तैयार कर लिए, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची। और यहाँ पे पालक को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। और ये मूंग दाल है ना, ये छिलके वाली मूंग दाल है। तो मैंने है ना पहले ही इसको एक घंटे पहले ही मैंने भिगो दी थी मूंग दाल को। और अब ये अच्छे से भीग गई है ना, तो छिलके ऐसे मसल मसल कर छिलके निकाल लूँगी और बस ऊपर पानी डालती जाऊँगी। और वो पानी निकालती जाऊँगी ना तो छिलके पानी के साथ सारे छिलके निकल जाएंगे। तो बस ऐसे ही करती हूँ जब भी मूँग दाल बनाती हूँ ना, बस ऐसे करती हूँ। तो ये छिलके ना ऊपर ऊपर के सारे छिलके निकल जाते हैं अच्छे से, और फिर 4 से 5 पानी से धुल भी जाते हैं अच्छे से। और देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, और तेल रखने के बाद में कढ़ाई में मैंने फिर लहसुन और प्याज डाल दिए हैं। और लहसुन प्याज हल्के से मैंने थोड़ी देर के लिए सेके थे, उसके बाद फिर हरी मिर्ची डाल दी थी। और हरी मिर्ची डालने के बाद फिर मैंने डाल दी थी इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद में फिर इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दी थी। और हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर नमक डाल दिया था। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए थे, ना ज़्यादा कोई माल मसाले कुछ भी नहीं डाले थे, मसाले वगैरह नहीं डाले थे। बस ऐसे ही बनाई थी मैंने सिंपल तरीके से मूंग दाल और पालक। बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। और देखिए फिर डाल दिया टमाटर। और टमाटर डालने के बाद में थोड़ी देर मसाले को मैंने अच्छे से पकाया था, और उसके बाद फिर मूंग दाल डाल दी है मैंने। तो ये मूंग दाल को है ना थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही मसाले में रहने दूंगी, और ये अच्छे से है ना मसाले में मेल्ट हो जाएगी मूंग की दाल, मतलब अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद फिर पालक डाल दिया था। और ये देखिए पालक को मैंने अच्छे से हिला लिया है, और हिलाने के बाद में ना फिर पालक के अंदर अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और पानी डालने से क्या होगा ना कि अगर हम आपको सूखी रखनी हो, ऐसे ही सूखी खानी हो, तो पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही बना लेंगे। लेकिन मुझे ना थोड़ी झोल वाली बनानी थी, तो बस इसीलिए मैंने पानी डाला था। और फ्रेंड्स सब्ज़ी ज़्यादा दिखती होगी ना, तो सब्ज़ी 2 टाइम की बनाई है, शाम की भी बना ली है मैंने, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, वैसे 1 बज गई है। तो बस मैंने शाम की भी सब्ज़ी बना ली है। तो हमें ना ये मूँग दाल पालक की सब्ज़ी अभी भी खाएँगे और शाम को भी खाएँगे। और देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई। उसके बाद धनिया डाल दिया, लेकिन मैंने मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और ये भी है ना सिंपल तरीके वाली भी खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। और देखिए अभी छत पर आए हैं तो यहाँ पे देवांश को देख लीजिए। आज पापा है ना सीताफल लाए थे बेचने के लिए इसके, तो बस ये सीताफल खा रहा है बैठ कर। और मुझे बोल रहा था कि मम्मी आप भी यहीं रहो यहीं रहो, तो बस मैं इधर से उधर टहल रही थी, घूम रही थी। और ये देखिए यहाँ पे है ना मिर्ची, आपको तो पता है हस्बैंड जी का काम सब्जी का है, तो मिर्ची है ना थोड़ी सी भी लाल हो जाती है तो फिर ग्राहक नहीं लेते हैं। तो बस सूखने को डाल दी है मैंने छत के ऊपर, तो ये छत पे है ना सूख जाएगी अच्छे से। और ये देखिए कितने सारे सीताफल आए, और कितने बड़े बड़े, तो मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि कितने बड़े बड़े सीताफल लेकर आए हैं। तो बस अभी जा रही है हस्बैंड जी की गाड़ी, तो गाड़ी तैयार कर रहे हैं सब्जी की और ले जा रहे हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि घर खाने के लिए सीताफल निकाल लो, तो बस मैं निकाल रही थी यहाँ पे सीताफल। तो मैं बोल रही थी कि अभी रुको, कौन से भी निकाल लूँगी, पहले मैं आपकी गाड़ी चला लेती हूँ। तो बस मैं वही देख रही थी कि मुझसे गाड़ी संभलती है या नहीं संभलती है। तो वो बोल रहे थे तू गिरा देगी। और ये देखिए शाम की चाय बन गई है, और 3 ही बच्चों की लग गई है यहाँ पे प्लेट टोस की, तो टोस और चाय पी रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ मेरे काम में। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।